नमस्कार इंसाफ टीवी पर आप सबका फिर से स्वागत है। नए साल का नया तोहफा मिला है। करतारपुर कॉरिडोर रास्ते जाने वाले श्रद्धालुओं पर प्रसाद के अलावा कोई भी वस्तु ले जाने पर या लाने पर लगी पाबंदी। नए साल के पहले दिन 900 के करीब पहुंचे श्रद्धालु। बता दें कि नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए 900 के करीब श्रद्धालु रवाना हुए। दर्शन कर वापस लौटने वाले श्रद्धालु जहां वो अपने आप को खुश नसीब मान रहे थे, वहीं उनके दिल में मलाल है कि दोनों देशों द्वारा प्रसाद के अलावा किसी भी चीज़ को लाने ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और कोई भी श्रद्धालु प्रसाद के अलावा कोई भी वस्तु लेकर नहीं आ सकता। वहीं दूसरी ओर कॉरिडोर के उद्घाटन के समय दोनों देशों द्वारा आपसी सहमति से इस रास्ते से पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 5000 तक तय की गई थी, लेकिन उद्घाटन के बाद से 52 दिन बीत जाने पर अभी तक करीब 35000 श्रद्धालु भी जा पाए हैं, जबकि तय मात्रा के हिसाब से ये संख्या 2 लाख के ऊपर होनी चाहिए थी। इतनी कम मात्रा में श्रद्धालुओं के करतारपुर साहिब जाने की मुख्य वजह यहाँ लोगों में यात्रा से संबंधित जानकारी की कमी को बताया जा रहा है। वही यात्रा से संबंधित $20 की फीस समेत लागू शर्तों को भी यात्रियों की संख्या में कमी का एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। नए साल पे पहले दिन गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा व लुधियाना जैसे जगहों से 900 के करीब श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर डेरा बाबा नानक पहुंचे। वहीं पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारा करतार साहिब के दर्शन कर वापस लौटे श्रद्धालुओं में यहां पंथ से पिछड़े गुरुधाम के दर्शन करने के बाद खुशी जाहिर की, लेकिन वहीं उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नई पाबंदी के कारण कई श्रद्धालु ना तो दान के रूप में कोई चीज भारत में बाहर से लेकर जा सकता है और ना ही पाकिस्तान से कोई वस्तु निशानी के तौर पर लेकर वापस आ सकता है। वही श्रद्धालुओं का कहना था कि दोनों देशों द्वारा ये पाबंदी 2 दिन पहले ही लगाई गई है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि दोनों देशों की सरकारों को ऐसी पाबंदियों पर रोक लगानी चाहिए और यात्रा को लेकर लगाई गई शर्तों में भी नरमी बरतनी चाहिए। देखें इंसाफ टीवी पर पूरी खबर। जी कितों आए थे? मैं राजस्थान सूरतगढ़ तो। आज गुरुद्वारा करतारपुर साहब दर्शन करके आए हो, किस तरह का लग रहा? बहुत वधिया लग रहा जी, बहुत ज़्यादा वधिया जी। आज नवा साल, नवी शुरुआत जी, यात्रा तो जी शुरुआत की थी, वो भी करतारपुर साहब पाकिस्तान जी। बहुत वधिया लग रहा जी। जब उत्थे पहुंचे सी, दर्शन किए सी, फिर कदा कि महसूस हुआ? बहुत सुकून मिले जी, रूह में जाके। दिक्कत परेशानी कोई आई हो रस्ते च जांदे आंदे? दिक्कत परेशानियां तो बहुत आई, पर यात्रा जिहड़ी कीती उहदे अगे तां हुण दिक्कतां नहीं, चलो कुछ भी नहीं जी। फिर भी चलो अपने ठीक है जी, सरकारां ने जो कर रखे जी, कानून थोड़े सख्त कर रखे इधर जी, उधरों हुण चलो गए हैं जी, जाया नहीं जाता, बार बार गए हैं, थोड़ा बहुत लिआउंदा, चाहुंदे कुछ नहीं लिआउण दिंदे। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨ? ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਸ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ, ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 12 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਇਹ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
जिहड़े अपने इधरों सानू सुबह ही कहा गया सी अपने अफसरां वल्लों भी कोई एक पैसे की चीज़ भी ना इधर लियांदी जावे असी लंघन नहीं देनी असी इत्थे सोडा सुट के रख लेंगे। फरीदाबाद से आप यहाँ पर आए हो, नए साल का पहला दिन आपने करतारपुर साहिब जाकर दर्शन करके व्यतीत किया, कैसा लग रहा है आप? इट्स ए वेरी अमेजिंग डे फॉर मी और बहुत ही ज़्यादा मेरे को खुले दर्शन हुए और मेरी जो भी भावना से मैं सामान ले गया था स्वीकार हुआ एंड वेरी मच हैप्पी। अरदास भी अटेंड करी और चवर भी फेरी, मन प्रसन्न हो गया क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स पाकिस्तान बॉर्न हैं, वो अभी ठीक ठाक हैं तो उन्होंने भी कहा था एक बार बेटा हो गया। कैसे प्रबंध रहे यहाँ के वहाँ के? दोनों तरफ से प्रबंध अच्छे हैं सर। वहाँ के लोगों का कैसा रहा आपके साथ? वेरी गुड, रिसेप्टिव लोग हैं जो कॉरिडोर पे प्रेजेंट हैं, दे आर वार्म वेलकमिंग इंडियन पीपल्स एंड एनकरेजिंग टूरिज्म एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज।